2019 में अब जो ग्रोथ रेट जो गया है डेवलपमेंट का, ये जो क्या कहते हैं, इंडिया का 7.5 गया है, पाकिस्तान का 3.2 गया है, इसके अलावा बांग्लादेश का भी हमसे ज्यादा है। इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो केंगरा है। हम इकोनॉमिक बहुत ज्यादा बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, क्योंकि वहाँ 50 साल तक जो था वो इम्पोर्ट बंद था, वो लोग खुद जो है वो क्या बोलते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इकोनॉमिक किंग है इस टाइम वो इस साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश है, जिसकी 8.2 पे चली गई है ग्रोथ रेट, क्योंकि उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को हर सेक्शन को एक्सप्लोर किया है। Assalamualaikum, Namaste, Sashriyakal and welcome to all my subscribers and fan. Public Relations Show में आपकी host Alina Tariq करती है आपको welcome. तो 2019 तो होने जा रहा है खत्म, तो देखते हैं who was the actual king in 2019. GDP growth rate किसका ज़्यादा बड़ा है? तो हम यहाँ की public से पूछते हैं उनका reaction. आप भी comment section में बताइए कि किसी भी मुल्क की GDP growth rate economy wise कितनी strong होनी चाहिए और क्या-क्या procedure होने चाहिए इसमें. तब तक मेरे channel को करें subscribe, video को करें like and don't forget to press the like. 2019 में अब जो ग्रोथ रेट जो गया है डेवलपमेंट का, ये जो क्या कहते हैं इंडिया का 7.5 गया है, पाकिस्तान का 3.2 गया है, इसके अलावा बांग्लादेश का भी हमसे ज़्यादा है। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा सा आप जरा डिफरेंट एंगल से देखेंगे ना, तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है बट डिक्रीजिंग लेवल से। अच्छा। अगर आप पास में देखते हैं तो उसमें ग्रोथ जो थी ज़्यादा थी, मतलब नज़र कम आ रही थी लेकिन अपने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा थी। अभी ग्रोथ अगर हो रही है तो प्रीवियस ईयर से कम हो रही है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ग्रोथ हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ग्रोथ हो रही है ओवरऑल, बट ये उस तरह से ग्रोथ नहीं है जिस तरह से पहले हो रही थी। ये तो इस तरह से है ना कि एक इंसान अपनी 20 साल की एज तक नॉर्मल ग्रोथ में जा रहा है और उसके बाद वो उसकी ग्रोथ का स्पैन बड़ा कम हो गया। अच्छा। उसने जो 10 साल में काम करना था वो 30 साल में कर रहा है। अब वो बड़ा तो हो रहा है, दिन तो गुजार रहा है, बट उसकी ग्रोथ उस प्रोग्रेस में नहीं आ रही। उसके लिए हमें नए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें कुछ बैठ के सोचना पड़ेगा। 3.59 के साथ इट मीन्स कि इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो केंगरा है, हम लोग तो बहुत पीछे। अगर कंपेयर किया जाए तो क्यों समझ लें कि हम उनके हाफ को भी टच नहीं कर सके। एग्जैक्टली, वो 3.294 तक भी, 7.58 तक चला गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया डेफिनेटली इंडिया बहुत आगे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे, वो ठीक हो गया। उसकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, क्योंकि वहाँ 50 साल तक जो था वो इम्पोर्ट बंद था, वो लोग खुद जो है वो क्या बोलते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब हमारे पाकिस्तान में अगर आप कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान में हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक्सपोर्ट सिस्टम हमारा इस वक्त बे इंतहा वीक है। अगर हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है तो हमारा एक्सपोर्ट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जितनी भी हमारी है इस पर हम लोग फोकस ही नहीं दे रहे हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, उसका रीज़न हम इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश क्या कहता है? बांग्लादेश कहता है कि यार आप हमारे मुल्क में आओ, हम आपको बिजली भी फ्री देंगे, गैस भी फ्री देंगे, सारी चीज़ें फ्री देंगे, आप इंडस्ट्री लगाओ। अब कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से मूव करके बांग्लादेश चले गए ड्यू टू दिस के उन्हें चीप कॉस्ट पे, बिल्कुल नहीं, उन्हें चीप कॉस्ट पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बेसिकली। ऑब्वियसली अगर देखा जाए हर कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया ही है वो केस है। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओवरऑल हर तरह से, जीडीपी से भी जैसे आप कह रही हैं उसके लिहाज से भी, हर तरह से इंडिया ही ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान तो डे बाई डे डाउनफॉल में ही जा रहा है, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरह भी देखा जाए इकोनॉमी में देखा जाए तो पाकिस्तान डाउनफॉल में ही जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी 4 प्लस थी जो अब ड्रॉप हो गई, इस साल 3.3 मेरे मुताबिक सुनने में आ रहा है। और जो इकोनॉमिक किंग है इस टाइम वो इस साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश है, जिसकी 8.2 पे चली गई है ग्रोथ रेट। और ये हमारी सबका और मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने टैक्सेस का निज़ाम और बिज़नेस के लिए एक एटमॉस्फेयर देना होता है, जिसे कहते हैं कि बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जो यहाँ पे जिसका फुकदान है। टैक्सेस की बातें तो सब करते हैं कि जी हम टैक्स लेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ज़ीरो है। हमारा लास्ट जो ये टेनोर गया है नून लीग का, तो इनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी, उससे पहले जरदारी दौर की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि बिजली का फुकदान जितनी इंडस्ट्री थी वो उठा के पाकिस्तानी बांग्लादेश मूव कर गए। तो हमारा फिर उसके मुताबिक रिएक्शन तो आना ही है, हमारा जीडीपी ड्रॉप होना है, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया हमसे बेटर है, उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बेहतर है, और हमारी खामियाँ यही हैं कि हम ना तो अपने मुल्क के साथ सन्सियर हैं
ना अपनी हुकूमत के साथ सिंसियर हैं। हमें चाहिए कि हम जो आवाम हैं, मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं सब के लिए, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं इनको बेहतर करूंगा, थोड़ी मुश्किल आपको आएगी। अच्छा। तो इस लिहाज से मुश्किल तो हम काफ़ी झेल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा खाना पीना दो बार हो गया है। ठीक है। तो बात यह है कि अब हमने मुल्क को लेके चलना है साथ, तो हमें इसमें यही है कि हमें आवाम को चाहिए, ताजर्स को चाहिए कि टैक्स पे करें ताकि हमारी इकॉनमी ऊपर है। देखा जाए तो इंडिया और क्या कहते हैं बांग्लादेश के लिटरेसी रेट भी ज़्यादा हो चुकी हैं, उनके जो सिस्टम है, उनके जो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया का बात की जाए तो अभी वो वर्ल्ड बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, उसके बाद उनका टेक्नोलॉजी का सिस्टम इतना आ गया है, फिर हम लोग इन चीज़ों में भी लिटरेसी रेट में भी पीछे चले जाते हैं। लिटरेसी रेट में आगे किस तरह जाएँ आप मुझे बताइए, लास्ट 20 ईयर्स में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स बने हैं, प्राइवेट आपके कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, आईटी सेक्टर में हमारे पास एक अरफा टावर के अलावा और क्या अचीवमेंट है, हमारे मुल्क में एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया, मैं बजाते खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, हमें क्या ज़रूरत है हम प्राइवेट स्कूल्स की इतनी हैवी फीसेस पे करें जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो हमसे टैक्सेस तो लेती है, टैक्सेस की तो बात करती है जी, आवाम चोर है टैक्स नहीं देती है, हम टैक्स निकालेंगे, फैसिलिटेट क्या करती है, कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हम गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ हम अपने जनरल पब्लिक ने अपने बच्चों को एडमिट करवाया, गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब इंसान का बच्चा जाता है बिकॉज उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, ये तो हमारा तालीम का निज़ाम है। 2% पूरे बजट का हम तालीम के लिए रखते हैं, बांग्लादेश 8% रखता है, हमारी तालीम पे इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद हमें रिजल्ट भी वैसे ही मतलब एजुकेशन सेक्टर पे बजट जो है वो बहुत कम लग रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी हुक्मरान है हमने सिर्फ लेग पुलिंग की है, आने वाली हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत के ऊपर सिर्फ स्वाय तनकीद की और कुछ भी नहीं किया, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उन लोगों ने पॉलिसीज बना के बनाई है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज 5-10 साल प्लान को जो भी आने वाली हुकूमत होती है उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलती है आगे, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं सपोज आज किसी पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं कोई पॉलिसी बनाऊंगा और मेरे आने वाला जो बाद में आएगा वो मुझे सिर्फ तनकीद का निशाना बनाएगा, जो कुछ खर्च हुआ है वो वहीं का वहीं रह जाएगा और एक आगे नया हमारे ऊपर एक वो टास्क मुसल्लत किया जाएगा। चाहे तो लिटरेसी रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद जो पॉपुलेशन रेट, उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन डेब्ट होते हैं, वो सब में वो उनकी चीजें आगे हैं और चीज में आगे हैं, तो हम इन चीजों में भी क्यों पीछे चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्शन को एक्सप्लोर किया है और उसको हर चीज को वास किया हुआ है। हम लोगों की माइंडसेट ही इतना कंजर्व किया रहता है, जहाँ जो पढ़े लिखे होते हैं वो ब्रेन ड्रेन करके चले जाते हैं, उनको इतना ज्यादा कर दिया जाता है डीमोटिवेट के वो चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं होगा तभी तो वो ब्रेन ड्रेन होते हैं, कि यही तो करते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है, जब तो वही कहते हैं कि हमें भी तो रहना है ना, हमने इतना पढ़ा उसके बाद हमें इतना इतना कुछ मिले। हाँ जी, ये भी हमारी कमजोरी है, हमसे अब बांग्लादेश हम ही में से निकल के तो आज़ाद हुआ है और हमें चाहिए कि उसको देख लें कि वो किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और हम क्यों पीछे रह रहे हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे हुक्मरान जो अभी भी हैं और पहले भी हैं जो ये मुल्क के साथ अच्छा नहीं करके गए, तो इनको भी अपना हिसाब देना चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम भी मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलें। इन चीज़ों में बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कि अब हमारे जो अलग अलग करे गांव के एरियाज हैं वहाँ पे बेइंतहा बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन ड्यू टू उनके पास पैसे नहीं है कि वो आगे आके अब यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करें। बेसिकली कोई भी मुल्क तरक्की जब करता है जब उसका लिटरेसी रेट 100% होता है। जो परसेप्शन के किसी भी मुल्क की जो है जीडीपी रेट को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कितना बढ़ाना चाहिए, फिर लिटरेसी रेट जो है, जो पॉपुलेशन रेट है, फिर फॉरन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो कैसे ठीक होनी चाहिए? देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या जो जीडीपी ग्रोथ ये मुल्क में तभी आएगा जब आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स का क्या कहते हैं, आप सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करेंगे। तो जब तक मुल्क के अंदर एक अनार्की की पोजीशन है, आप इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं लाएंगे, ठीक है ना, बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसे पैकेजेस नहीं देंगे, तब तक आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। इस साल की हालत देख लें कि आप सिर्फ FBR हमारा एक अदारा है जो रेवेन्यू तो इकट्ठा करता है लेकिन दूसरी साइड पर उसने बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस दिया सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से, जो या तो वो डिलीवर नहीं कर पाया या फिर उसकी पॉलिसीज गलत है। जब तक आप इनको करेक्ट नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसीज को टैक्स की मद में या इन्वेस्टर्स को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते।
हमें अपने ओन पर ट्राई करना चाहिए. हम जैसे कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट को या दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते. गवर्नमेंट का भी जाहिर है इस चीज़ में हाथ है, लेकिन हम इंडिविजुअल्स भी ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट, हम अपने अपने आप को मार्जिन दे देते हैं हमेशा अपनी गलती में कि नहीं नहीं गवर्नमेंट वाले ऐसे करते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसे होता है. हालांकि हम खुद भी तो गलत कर रहे हैं ना, खुद ट्राई कर ले एक दफ़ा. इसकी आप पॉलिसी हमें बनानी चाहिए कि हम इंडिया या बांग्लादेश की जो GDP ग्रोथ रेट है उनसे आगे जाएँ. छोटा सा एक फार्मूला है कि आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, कहीं पर उन्हें अगर आपने टैक्स की रिबेट देनी है या कुछ अरसे के लिए टैक्स वेव करना है, कुछ टाइम के लिए कर दें उनके लिए. जिस तरह से हम तकरीबों में सुनते होते हैं कि कुछ मुश्किल टाइम है, ये मुश्किल टाइम हुकूमत अपने ऊपर क्यों नहीं ले आती कि अपने ऊपर ले, हम इंडिविजुअल को वैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, अभी से आज के दिन से स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मुल्क को लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग कर लेगा. हम आज कर्जे लेके लोगों से, हम बाहर से कर्जे ले रहे हैं, अपनों के ऊपर हम टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, हम मतलब एक ब्लड सकिंग कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ निकाल के रख दोगे होगा क्या? एक आर्टिफिशियल वो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए मुल्क ठीक हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. मुल्क को कामयाब करना है तो उसका GDP बढ़ाना पड़ेगा, उसकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ानी पड़ेगी GNP, ताकि उसका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो. तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ताजिर तबके को सपोर्ट करना है. ताजिर हो गए या इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करना है, उसके लिए एक इंडस्ट्री या बिजनेस फ्रेंडली एटमोसफियर देना ज़रूरी होता है. बिजनेस फ्रेंडली एटमोसफियर क्या है? मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है या अपने कारोबार या अपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है तो मुझे वन विंडो ऑपरेशनल मुझे सर्विस मिले, मेरा फ़ोन पे काम हो जाए, या एटलीस्ट मुझे वन विंडो ऑपरेशन उसी वक्त 2 घंटे में मेरा काम हो जाए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है. लेकिन यहाँ पे उसके ऑपोजिट है, एटमोसफियर पर वर्किंग करें और फिर जो जस्टिफाइड टैक्स है वो लें और उसके अगेंस्ट ताजिर तबके को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करें कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपका एजुकेशन सेक्टर कवर करेंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका मेडिकल कवर करेंगे, आपको रिटर्न देते हैं, आपको ये जो से बेनिफिट्स देते हैं, आप हमें टैक्स जो से पे करें, फिर तो हम विलिंगली पे करेंगे, हमें रिटर्न नजर आ रहा है. पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं स्ट्रेटजीज लाइक दैट के मैं खुद अपना एक मैंने सॉफ्टवेयर इसका लॉन्च किया है स्मार्ट वेंडर के नाम से, ठीक है. उसमें हम 1.25 लाख बच्चों को तालीम देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. उसमें कुछ हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसके अकॉर्डिंग के कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन सकता है. उसमें हम उसे टारगेट्स देंगे, उस टारगेट को वो अचीव करेगा, उसकी हॉस्टल की फीसिस, उसकी एजुकेशन एकेडमिक फीसिस, इसके अलावा उसकी पॉकेट मनी, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है. अगर इस टाइप के 4-6 और प्रोजेक्ट्स आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरी इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इस पर सपोर्ट करें और मैं खुद बेसिकली इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ कि इसमें सपोर्ट करें कि हम जो 1.25 लाख बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देने के लिए मैदान में आए तो उसको पूरा कर सकें. स्टूडेंट को एम्पावर किया जाए, ऐसी सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो स्टूडेंट को बताएं, न्यू जो आइडियाज़ लेके आते हैं. सबके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, मेरे खुद के पास आइडियाज़ हैं, मैं खुद करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई फाइनेंस करे तो फिर ना. बल्कि बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो हमारे पास सारे ही ग्रोथ वाले लोग आ जाएं. लेकिन जो लोग पावर में बैठे हुए हैं जिनके पास स्कोप ज़्यादा है, मेरे पास स्कोप कम है, मैं अपने स्कोप के लोगों पर करूँ, जिनके पास स्कोप ज़्यादा है वो उन लोगों पर फोकस नहीं कर पा रहे, शायद मतलब उनका स्कोप इतना ज़्यादा वाइड हो गया है कि उन्हें बियॉन्ड दैट लिमिट नज़र आना शुरू हो गई कि मुल्क से बाहर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर के हालात भी देखने चाहिए, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़.